हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बांगली गांव में पैंथर की दो दिन से हुई लगातार हलचल, वन विभाग ने किया रेस्क्यू, लौटना पड़ा बेड़ा। बांगली खिवांदी व बारूंदा की पहाड़ी पैंथरों का सुरक्षित स्थान। सुमेरपुर उपखंड के बांगली गांव से एक किलोमीटर दूर बांगली बांध से चटे डॉक्टर कुलदीप सिंह पुत्र जोग सिंह देवड़ा के कृषि कुएं पर दो दिन से लगातार पैंथर की हलचल होती दिखाई दी, जिसको लेकर वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। जिसके बाद वन विभाग टीम से पहुंचे पुष्पेंद्र सिंह व दिलीप कुमार मौके पर पहुंचकर देखा तो पैंथर द्वारा एक शिकार कर दो दिन तक रुककर अपना चला गया, क्योंकि बहुत बड़ी लंबी झाड़ियों में होने की आशंका को देखते हुए जेसीबी मशीन से झाड़ियों को हटाया गया, लेकिन पैंथर अपना शिकार कर निकल गया था। बांगली शक्ति माता मंदिर व बांध के करीब हमेशा होती है पैंथर की चहल पहल। ग्रामीणों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बांगली गांव की पहाड़ी व शक्ति माता मंदिर के आसपास में हमेशा पैंथर की हलचल होती रहती है। वहीं आज दिन तक किसी भी प्रकार की कोई मानव जीवन पर हमला या जनहानि नहीं हुई है। वही बता दें कि पहाड़ी के आसपास में हरियाली व पैंथर के शिकार व पानी की व्यवस्था हो जाने के कारण यहां पहाड़ियों में हर समय इधर उधर टहलता रहता है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि पैंथर बांध से चटे कृषि कुएं पर आकर शिकार किया। पहली रात को मिला शिकार, दूसरी रात को शिकार के साथ पैंथर की हुई झड़प। डॉक्टर कुलदीप सिंह देवड़ा के कुएं पर देखने से ये ज्ञात हुआ कि पैंथर द्वारा मंगलवार रात को शिकार मिला, जो दिन भर शिकार के चक्कर में इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़ी, और बुधवार रात को फिर एक बार कुएं पर स्थित फार्म हाउस से मात्र 150-200 मीटर की दूरी पर रात को फिर एक बार पैंथर की हलचल हुई, जो अपने शिकार के साथ में झपट हुई लेकिन शिकार नहीं कर पाया। सुबह होते ही वन विभाग की टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू प्रारंभ किया, लेकिन पैंथर वहां से निकल चुका था। कई बार पहाड़ियों में चरवाहों ने भी देखा पैंथर को। वही बता दें कि बांकली गांव के आसपास खिवांदी बांकली व बारूंदा की पहाड़ियों में गाय व पेड़ चरवाहों द्वारा कई बार पैंथर की आहट व हलचल देखी जाती है। इससे ये माना जाता है कि बांकली गांव के आसपास पहाड़ी क्षेत्र में एक तरह से पैंथर का होना शुभ माना जाता है। वही पैंथर द्वारा मानव जीवन पर किसी प्रकार का अभी तक हमला या घटना नहीं की गई है, क्योंकि इन पहाड़ियों में पैंथरों को पर्याप्त मात्रा में शिकार, रहने पीने की व्यवस्था मिल जाती है, जिससे मानव जीवन पर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई जनहानि नहीं हुई। जागरूक टीवी के लिए सुमेरपुर से तरुण रावल की रिपोर्ट।